नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर मिश्रा। टीम इंडिया के समर्थकों को उनकी नई भाभी मिल गई है, और ये जो भाभी शब्द है ये ट्विटर पर काफी देर तक इसीलिए ट्रेंड भी कर गया। और ये भाभी कौन है? ये भाभी दरअसल है क्लोए अमांडा बेली। ये क्लोए अमांडा बेली जो है वो ऑस्ट्रेलियाई जर्नलिस्ट हैं, और अभी जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी तो ये काफ़ी सुर्खियों में इसलिए रही थी क्योंकि इनके लगभग हर ट्वीट्स वायरल होते हैं, और इनके ये दरअसल भारतीय टीम की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, बहुत बड़ी सपोर्टर हैं। उन्होंने तो ये भी ट्वीट कर दिया था कि जब टीम इंडिया हार गई थी वहाँ पर, खासतौर से जब 36 रनों पर ऑल आउट हुई थी, तो उनकी नींदें उड़ गई थी, और वो भारतीय टीम को लगातार सपोर्ट करती रही हैं, और साथ ही साथ जब इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है तब भी वो भारतीय टीम को सपोर्ट कर रही हैं। केविन पीटरसन को भी उन्होंने ज़बरदस्त जवाब दिया था कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जब केविन पीटरसन ने कहा था कि मैंने बोला था ना जश्न मत बनाना, ये जश्न जल्दी से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इंग्लैंड आपको हरा देगी, तो उस पर जो है क्लोए अमांडा बेली ने उनको तगड़ा जवाब दिया था कि भाई थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना, भाई थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इसका मतलब ये है कि वो हिंदी भी बड़ी अच्छे तरीके से जानती हैं, और हिंदी में भी भारतीय समर्थकों के साथ वो बात करती रहती हैं। बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि डाउन टू अर्थ हैं, फैंस के साथ बातचीत करती रहती हैं, इतना समय वो निकाल लेती हैं। तो फिर इनका एक ट्वीट फिर से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये लिखा है और ये पूछा है कि भाई अचानक से मुझे भारत के लोगों ने ट्विटर पर, मैं देख रही हूँ कि भाभी कहना शुरू कर दिया है, ऐसा क्यों? अब ये बात तो सही है उनकी कि लोग उनको भाभी कहकर संबोधित क्यों कर रहे हैं, और फिर बड़ा सवाल तो ये भी है जो उसमें रिट्वीट करके लोगों ने सवाल भी पूछा कि अगर भाभी आप हैं तो फिर भैया कौन है? उस पर भी उन्होंने कई सारे जवाब दिए कि अभी जांच जारी है, भैया पता नहीं कौन होंगे, खोज जारी है, हो सकता है कोई भैया निकल आए। तो ये बड़े ये जो इनके ट्वीट्स हैं ये बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और कुछ ट्वीट्स मैं आपको बताता भी हूँ जो क्लोए अमांडा बेली ने किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा कि व्हाई डिड एवरीवन स्टार्ट कॉलिंग मी देयर भाभी, यानी कि मुझे इंडिया से ज़्यादातर लोग भाभी कहना क्यों शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो पर इस पर एक आफ्ताब अलवी सिद्दीकी हैं, उन्होंने ट्रेंडिंग का एक स्क्रीनशॉट निकालकर, जो ट्विटर पर ट्रेंडिंग का स्क्रीनशॉट होता है जिसमें लिस्ट आती है कि कौन सा मुद्दा कितने नंबर की ट्रेंडिंग पर है, उसमें दिखाया, उन्होंने लिखा कि डू यू नो क्लोए अमांडा बेली भाभी इज अ ट्रेंडिंग टॉपिक नाउ इन ट्विटर इन इंडिया। और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि भाई 12वें नंबर पर भाभी शब्द जो है वो ट्रेंड कर रहा था। फिर इसके बाद कई लोगों ने, जैसे कि हिदांश महर्षि हैं, उन्होंने लिखा कि बट हु इज भैया, हु इज यानी कि ब्रदर, दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो फिर उसके भी जवाब में अमांडा बेली ने लिखा कि और इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन हु इज माई हस्बैंड, यानी कि मेरा पति कौन है, ये भी तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। इसके बाद देसी मुंडा नाम के एक ट्विटर अकाउंट यूजर ने लिखा कि इन इंडिया वी ऑल मेंशन ऑल मैरिड लेडीज एज अवर भाभी व्हेन वी टॉक टू देम। तो इसके जवाब में क्लोए अमांडा बेली ने लिखा कि आई एम नॉट मैरिड, आप लोग मैरिड लोगों को बोलते होंगे वहां पर भाभी मैरिड फीमेल्स को, लेकिन मैं मैरिड नहीं हूं। फिर उसके बाद एक संदीप सैनी है, उन्होंने लिख दिया कि डिड यू आस्क एनीथिंग अबाउट इट फ्रॉम ऋषभ पंत भैया, बाय द वे योर कवर फोटो इज फैंटास्टिक, यानी कि यहाँ ऋषभ पंत को भी वो ले आए और उनको एक तरीके से कह दिया कि भैया कहकर संबोधित कर दिया, जो भैया को लेकर सवाल उठ रहा था कि कौन है भैया। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विटर चैट है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अमांडा बेली भी हैं, उनके ट्वीट्स भी हैं, और उस पर कई सारे इंटरेस्टिंग रिप्लाईज भी हैं, और उसका भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिप्लाई किया है अमांडा बेली ने, और इसीलिए इस वक्त बेली जो है वो ट्रेंडिंग पर है, और साथ ही साथ ये जो भाभी शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा है ये भी ट्रेंड कर गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जोड़ दीजिएगा, खबर कैसे लगी ये बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।